वालेकुम स्टूडेंट्स ये मैं एमसीक्यूज़ के आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ठीक है यहाँ पे आप लोगों का जो पहला है एम सी क्यूज़ विच वाइल्ड कार्ड रिप्लेस वन करेक्टर ओनली तो इसमें जो आप लोगों की सी ऑप्शन है क्वेश्चन मार्क जो है ये है आप लोगों का राइट right आंसर अब मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाऊंगी तो नहीं क्योंकि आप लोगों का पेपर तो हो गया है उसके बाद सेकेंड जो आपका है एम सी क्यूज़ विच टाइप ऑफ फॉर्म्स यूजफुल टू डिस्प्ले डेटा फ्रॉम टेबल्स एंड क्यूरीज डेट हैव वन टू मैनी रिलेशनशिप इसमें बेटा आप लोगों का जो राइट right आंसर है वो सब फॉर्म है बाकी कोई भी आप लोगों का ठीक है राइट right आंसर नहीं है उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डीबीएमएस मतलब इसमें से आप लोगों का जो है डीबीएमएस का कौन सा नहीं है Shareability, evolve, evolve, ability, availability, ये सारे आपका ऑब्जेक्टिव उसके बाद फोर्थ आप लोगों का जो है क्रिएट ठीक है यहां क्योंकि क्रिएट कमांड आपकी यूज होती है क्रिएट टेबल कमांड एक होती है क्रिएट डेटाबेस कमांड होती है क्रिएट व्यू कमांड होती है यहाँ पे उन्होंने कोई कंफर्म नहीं बताया कि ये कौन सी कमांड है अगर ये क्रिएट व्यू कमांड है तो इसमें आपका राइट right आंसर जो होगा व्यू होगा आ, इसका मैं आपको कंफर्म करके बता दूँगी क्योंकि यहाँ पे क्रिएट टेबल क्रिएट व्यू और क्रिएट डेटाबेस uh, इस तरह की कमांड्स यूज़ होती हैं आप लोगों के एस में स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में तो ये इसका आपको कन्फर्म कर दूँगी मैं नेक्स्ट आप लोगों का जो एम सी क्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन टू वन रिलेशनशिप इसमें जो राइट right आंसर है आपका ए है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर क्योंकि हर स्टूडेंट को क्या होता है एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होता है उसके अलावा एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट नहीं हो सकती इसलिए वन टू वन का रिलेशनशिप है बाकी आप लोगों का वन टू वन रिलेशनशिप नहीं है अच्छा नो एट्रीब्यूट ऑफ अ प्राइमरी की शुड कंटेन नल वैल्यू तो इसमें जो राइट right आंसर है वो आपका एंटिटी इंटीग्रिटी है थी? क्योंकि ये जो रूल होता है ये एंटिटी इंटीग्रिटी कहलाता है ठीक है

किया जाता है आप लोगों को पता है कि डू वाइल लूप में आप लोगों का सेमिकल इंप्लेस होता है दिसकूप ऑफ स्कोप ऑफ अ वेरिएबल रेफर्स टू इट्स ठीक है इसमें जो राइट आंसर आंसर है एक्सेसिबिलिटी ठीक है जो वेरिएबल का स्कोप होता है वो किसको रेफर करता है उसकी एक्सेसिबिलिटी को रेफर करता है टेंथ जो आपका एम से है विथ शॉर्ट शॉर्ट की इज यूज टू व्यू आउटपुट स्क्रीन इसमें जो राइट right आंसर है आर्ट एफ फाइव ये ए शॉर्ट की यूज़ होती है आप लोगों की ठीक है आउटपुट को व्यू करने के लिए आउटपुट स्क्रीन को व्यू करने के लिए द आउटपुट ऑफ अ कंपाइलर इज कार्ड ये ऑब्जेक्ट कोड है इसका जो राइट right आंसर है द लॉजिकल नोट ऑपरेटर डिनोटेड बाई ये इजा जो लॉजिकल नोट ऑपरेटर होते हैं स्टूडेंट्स वो आप लोगों का क्या होता है यूनरी ऑपरेटर होता है द वेरिएबल नेम्स कैन नॉट कंटेन ठीक है वेरिएबल नेम्स में आप लोगों का पीरियड नहीं हम यूज़ सकते हैं बाकी आप लोग यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन टेन ठीक है मॉडुलस थ्री इसका जो राइट right आंसर है वो वन है क्योंकि यह आपको रिमाइंडर रिटर्न करेगा और रिमाइंडर आपका क्या आएगा वन आएगा दिस केप सीक्वेंस इज यूज टू बिगेन अ न्यू लाइन इन सी लैंग्वेज इसमें आपका बैक स्लैश एन आता है आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को एमसी की समझ आ गई होगी मैंने वीडियोजलिए बनाई है ताकि आप सब बच्चे इसको देख सकें और आप लोगों को समझ आ जाए ठीक है थैंक यू स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़